नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं स्टेनो डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। स्टार्ट। महोदय, विधानसभा के पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार को जो जनादेश मिला, वह इस अर्थ में पूर्ववर्ती सरकारों को मिले जनादेश से भिन्न है कि इस बार प्रदेश के शोषित, उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के लोगों ने अपनी यह स्पष्ट आकांक्षा व्यक्त की है कि उन्हें न केवल आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, वरन इस बारे में निर्णय लेने में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। पिछड़े और वंचित वर्गों को उभरती आकांक्षाओं से अब तक चली आ रही व्यवस्था के प्रति उनकी निराशा को मुख्यमंत्री ने अच्छी तरह पहचाना है। यही वजह है कि उन्होंने सरकार की नीतियों को इस तरह बदलने की पहल की है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को न केवल अपना उत्थान करने का अवसर मिले, वरन इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों में उनकी सहभागिता और पहल सुनिश्चित हो। राज्य के नीति निर्धारण में इसके कारण दूरगामी बदलाव आए। समाज के अंतर संबंधों में यह क्रांतिकारी परिवर्तन का शुभारंभ होगा। ऐसा परिवर्तन सहज नहीं होगा, लेकिन यह निश्चय ही शुभ है कि मुख्यमंत्री ने ऐसी चुनौती भरी पहल शुरू की है जो आगे चलकर दबे और पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगी और समाज में उन्हें वह स्थान दिलाएगी जिसके वे हकदार हैं। वर्तमान सरकार द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आरंभ की गई पहल को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने पर उनका सही मूल्यांकन किया जा सकेगा। यदि इनका क्रियान्वयन कारगर ढंग से हुआ, जो जनशक्ति की ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा और प्रदेश प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। स्वाभाविक ही समाज को इस तरह पुनर्रचित करने में निहित स्वार्थों से टकराव की स्थितियां पैदा होंगी जिनसे प्रभावी ढंग से निपटना होगा और नई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति पूरे समाज के मानस का अनुकूलन करना होगा। प्रशासन तंत्र का पुनरीक्षण भी इसके लिए अनिवार्य होगा ताकि वह अपने आचरण को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता का यह अच्छा उदाहरण है कि सत्ता की बागडोर संभालने के 20 दिन के भीतर ही नया पंचायती राज अधिनियम बनाया गया और स्थानीय संस्थाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। सरकार का संकल्प है कि
इस वर्ष जून तक सभी पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, सहकारी संस्थाओं और कृषि उपज मंडियों के चुनाव कर लिए जाएं। पंचायतों के चुनाव के लिए परिसीमन का काम शुरू किया जा चुका है। अपनी पहल को सरकार ने केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं रखा है, वरन यह प्रयास भी किया है कि पंचायतें स्थानीय स्वशासन चलाने का कारगर तंत्र बने। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार की स्थानीय योजनाओं को चलाने की पूरी जिम्मेदारी पंचायतों को सौंप दी जाए। अधिष्ठाता महोदय, यह भी तय किया गया है कि जवाहर रोजगार योजना सघन, जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री की रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार सुलभ कराने की एकीकृत पहल की जाए और स्थानीय विकास के सभी कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंप दी जाए। सरकार चाहती है कि स्थानीय निर्माण कार्यों को स्वीकृत देने का अधिकार ग्राम पंचायतों की विकास और निर्माण समितियों को सौंप दिया जाए और पंचायत द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन का भार ग्राम सभा पर हो। इस तरह जहां गांव के पंचों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य हाथ में लेने की पहल करने का अवसर मिलेगा, वहां ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्य सही ढंग से पूरे किए जाएं। इससे एक ओर जहां जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, वहां दूसरी ओर सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप भी समाप्त होगा। महोदय, निराश्रितों को सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन अब तक कलेक्टरों द्वारा मंजूर की जाती है। सरकार ने अब यह अधिकार जनपद पंचायतों को सौंपने का निर्णय किया गया है। इसी तरह न्याय पंचायत व्यवस्था को फिर से लागू करने का निश्चय किया गया है ताकि गांव के छोटे छोटे विवाद गांव में ही निपटा लिए जाएं। इस प्रदेश की 23% जनसंख्या आदिवासियों और 14% जनसंघ हरिजनों की है। ये समुदाय न केवल आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए और वंचित हैं, वरन सामाजिक वर्जनाएं भी भोगते हैं। इन्हें समाज में समरस करने और इनके उत्थान के उद्देश्य से सरकार ने कारगर पहल शुरू की है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।